लॉली पुडीज फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस, ये है हमारा बनाना केक। जब भी हमारे घर में बनाना आते हैं और बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो करना क्या है भाई, हम तो खा नहीं पाते हैं। तो इस समय में आप जो है एक बहुत ही डिलीशियस केक बना सकते हो, जो कि आज मैं बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमें इस तरीके से ओवरराइप बनाना चाहिए रहेगा। देन हमें लगेगा मैदा, ऑफकोर्स आप इसकी जगह होल व्हीट फ्लावर रिप्लेस कर सकते हो। देन हमने लिया है पाउडर शुगर, ऑयल मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, मेल्टेड बटर, ये सॉल्टेड बटर है। देन हमें लगेगा मिल्क, साथ में हमें लगेगा वनीला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एक मिक्सी का जार ले लेना है, इसमें इस तरीके से हमें सबसे पहले बनाना हमें डाल देना है। इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क, मिल्क शुड बी एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने मिल्क डाल दिया और इसे हमें करना है ग्राइंड और फाइन प्यूरी बना लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फाइन प्यूरी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बनाना और मिल्क की एक प्यूरी बना ली है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमने एक बोल में प्यूरी निकाल दी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम, अगर आपने मेरे प्रियाज मैजिकल किचन से, फटाफट फॉलो कीजिए फ्रेंड्स प्रियाज मैजिकल किचन फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमने प्यूरी बना ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें लेना है सबसे पहले मैदा। यहाँ पे हमने ऑल पर्पज फ्लावर ले लिया है इस तरीके से, साथ में हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर, इसी में हमें लेना है बेकिंग पाउडर, साथ में हम लेंगे बेकिंग सोडा और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से छान लिया है। अगर यहाँ पे गुठलिया है तो इसे भी इस तरीके से आप तोड़ के यूज कर सकते हो। सो ये रेडी है फ्रेंड्स। इसे हम अभी हल्के से कट एंड फोल्ड करके मिक्स करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, ये हमने बटर डाल दिया, साथ में हमें लेना है ऑयल। तो यहाँ पे मैं सनफ्लावर ऑयल का यूज कर रही हूँ। हमें सनफ्लावर ही ऑयल लेना है या फिर कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल चलेगा। साथ में हमें लेना है वनीला एसेंस। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप विस्कर की सहायता से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। सी द कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर, इट शुड बी रिबन कंसिस्टेंसी। सो बैटर हमारा रेडी है फ्रेंड्स। हमें लेना है 7 इंच का टिन, यहाँ पे मैंने 7 इंच का टिन लिया है। आपको लेना है, यहाँ पे इसके अंदर हमें लेना है पार्चमेंट पेपर। ओके, अच्छे से आप ग्रीस कर लेना और अब हम ये पूरा बैटर इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से पूरा बैटर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसे टैप करेंगे 2 टाइम्स, अच्छे से हमें इस तरीके से इवनली स्प्रेड कर देना है और इसे हम अभी बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। कन्वेक्शन मोड में यूज करती हूँ फ्रेंड्स, तो 180 डिग्री पे मैं इसे 40-45 मिनट्स के लिए मैं इसे बेक करूंगी। 10 मिनट्स के लिए आपको प्रीहीट करना जरूरी है। आप OTG यूज करो या फिर ओवन कन्वेक्शन, प्रीहीट करना बहुत जरूरी है। तो ही जो जिस टेम्परेचर पे आप बेक करना चाहते हो उसी टेम्परेचर पे आपको प्रीहीट करना जरूरी है। 7 मिनट से 10 मिनट तक आपको इसे प्रीहीट करना है, देन आपको इसे बेक करने डालना है 45 मिनट्स के लिए। ओके, अब हम इसे बेक करने डालते हैं फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगी तो फॉलो करो, लाइक करो। ओके, सो अब हम बेक करने डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा केक रेडी हो गया है, बहुत ही डिलीशियस। जस्ट मैंने ओवन से बाहर निकाला है फ्रेंड्स। या इसे आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है, देन डीमोल्ड करना है। और अगर आप इसे 3 से 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हो तो इसे आपको क्लीन रैप करके अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रख देना है। सो इसकी शेल्फ लाइफ 4 दिन तक आराम से है। सो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप इसे स्लाइसेस बना के आप एयरटाइट कंटेनर में इसे लेके जा सकते हो।
कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताओ। और अभी तक आपने प्रियाज मैजिकल किचन को फॉलो नहीं किया है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, तो फटाफट फॉलो करना ना भूले और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और आपकी पूरी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।